जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 अगस्त 2019 के तुला और मेष राशि फल के बारे में। तुला और मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और बुधवार का दिन है। आज स्वाति नक्षत्र रहेगा और आज शुभ योग भी बन रहा है। शुभ योग के बनने से आज सभी कार्यों में सफलता मिलती है। तो इस शुभ योग में मेष राशि के लिए कैसा समय होगा और तुला राशि के लिए, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि मेष राशि की आज की बात करें तो आज आप पिता का कोई ज़रूरी काम पूरा करा पाएंगे। आपके पिता को आप पर आज गर्व होगा। छात्रों के लिए भी आज का दिन सामान्य बना रहेगा। आप किसी नए कोर्स के बारे में भी सोच विचार कर सकते हैं। आज बड़े भाई बहनों से आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है। नौकरी कर रहे लोगों को आज अपने काम से थोड़ी राहत महसूस होगी और आप कहीं अपने पार्टनर के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। होटल में जो बिजनेस करते हैं उनके लिए आज का दिन बड़ा ही प्रॉफिट वाला रहेगा। आपको अपनी कमाई में वृद्धि आज दिखाई देगी, संचित धन में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आज का दिन आपका तनाव रहित रहने वाला है, यानी राहत से भरा हुआ दिन आपका रहेगा। आज के दिन आप सुबह उठकर सूर्य देव को प्रणाम जरूर करें, उसके बाद सभी कार्यों की शुरुआत करें तो आज का दिन आपके लिए बड़ा ही मंगलकारी रह सकता है। अब बात करते हैं तुला राशि की कि तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज के दिन आपको अपने काम में सतर्कता बरतनी पड़ेगी। बिजनेस में किसी भी तरह के लेन देन से आपको बचना होगा, वरना बिना किसी वजह के आज आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप किसी से ज़रूरी मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो आज अपने पहनावे पर आप सबसे ज़्यादा ध्यान दें। कोई आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई कर सकता है। अच्छी सेहत के लिए आपको रूटीन एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। खान पान पर ध्यान देना चाहिए। अपने खाने में विटामिन्स का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन आप एक कार्य करें, आज आप जौ का दान करें या फिर चिड़ियों को आज आप दाना डालें। इनमें से किसी एक कार्य की शुरुआत आज के दिन आप करें, आज ज़रूर करें। आप किसी भी तरह के नुकसान से बचे रहेंगे। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।